നമോ ഹരിയന്താണം നമോ സിദ്ധാണം നമോ ആയവ്യാണം നമോ ഉജ്ജായണം നമോ ലോയസവസാഹുണം ഏശോപനിഷമുക്കാരോ സവപാവപ്പണാസണോ മംഗളാണം സവേശം പടമം ഹവൈ മംഗളം ഓം പരമതാരക സദ്ഗുരുഭ്യോ നമ. ആജ് ബാത് കരേംഗേ ഗാന്ധിജി കെ തീൻ ബന്ദർ കി. ഗാന്ധിജി കെ തീൻ ബന്ദർ വൈസെ തോ ആപ് സബ്കോ പതാ ഹീ ഹൈ. बुरा मत देखो, एक बंदर ने आंखों पर हाथ रख रखे हैं, दूसरे ने कान पे हाथ रख रखे हैं, बुरा मत सुनो, तीसरे ने मुंह पे हाथ रख रखा है, बुरा मत बोलो. मतलब ये महात्मा गांधी को तीन बंदर जापान के किसी व्यक्ति ने भेंट किए थे. लेकिन इन तीनों का अर्थ जो भी यहां पर करते हैं, चाहे वह कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, यही अर्थ किया जाता है. गिफ्ट करने वाले उन व्यक्तियों से भी पूछा गया, उन्होंने भी यही अर्थ बताया. लेकिन आश्चर्यकारी बात कि वास्तविकता में बुरा मत देखो, यानी देखेंगे तभी पता चलेगा कि ये बुरा है या अच्छा. अगर बुरा है और हमने उस तरफ हमारा ध्यान लगाया तो ये बुरा है, नहीं देखना. लेकिन जैसे ही हम उससे मुंह फेरेंगे तो वह दृश्य हमारे भीतर भी प्रतीत होने लगेगा, वह दृश्य हमें अंदर दिखने लगेगा, हमारे स्मृति पटल पर वह दृश्य बार बार भर के आएगा, क्योंकि हमने वहां से अपना ध्यान बाहर से हटाया. लेकिन स्मृति पटल से हम उस बात को मिटा न सके. तो बुरा न देखो, बुरा देखने के बाद जब आंखें वहां से हट गई, लेकिन जो स्मृति पटल पर वो कुछ क्षण का देखना अंकित हो गया, वो नहीं मिट रहा. वो बुरा देखना मुंह फेरने के बाद भी चल रहा है. बुरा मत सुनो, वही बात पहले सुनो तब पता चलेगा यह खराब बोल रहा है या अच्छा बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है पता चलेगा. लेकिन वही बात सुनने के बाद वे शब्द जो आपके स्मृति पटल पर चले गए, वे शब्द बार बार प्रतिध्वनि करेंगे, आपको सुनाई देंगे अंदर से. क्यों? क्योंकि आपने बाहर से अपने कानों को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ शब्द जो आपके भीतर चले गए वो बार बार उभर के आएंगे. तीसरी बात, बुरा मत बोलो, यानी हम जो बोले वो सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग सकता है, तो हमें पहले बोलना होगा. बोले लेकिन समझ न पड़ी,
जब सामने वाले को बुरा लग गया तो पता चला अरे ये तो बुरा था, नहीं बोलना था, लेकिन बोल दिए, अब कर भी क्या सकते। कोई कहते हैं सोच विचार कर बोल लो, सोच विचार के बोला हुआ भी वाक्य सामने वाले को अच्छा लगेगा यह कोई जरूरी तो नहीं। कोई शराबी है और वह समाज का कोई बड़ा व्यक्ति है, उसे अगर बोला गया कि तू शराबी है, हाँ वह शराबी है, लेकिन वह बात आपके लिए सत्य होते हुए भी, उसके लिए भी सत्य होते हुए भी अप्रिय है, उसे बुरा लग गया, तो क्या है फिर इनका रहस्य? इनका रहस्य संक्षिप्त में अगर हम जाने तो गांधी जी के तीन बंदर, जो एक कान पे हाथ लगाए हैं, एक आंख पे और एक मुख पर, उनका यह कहना है सिर्फ जब प्रयोजन हो तभी हम हमारे कानों का प्रयोग करें, जब प्रयोजन हो तभी हम हमारी आंखों का प्रयोग करें, जितना प्रयोजन हो तभी हम आंख से किसी दृश्य को देखें। बाहर बहुत सारी चीजें दिखती है लेकिन हम सबको न देखें, हम उतना ही देखें जितना हमारे लिए आवश्यक है, हम वही सुने जो हमारे लिए भीतर में कोई प्रयोजन सिद्ध करता हो, हम अनावश्यक कहीं भी कान ही न लगाएं, बिना प्रयोजन सुनना ही नहीं, बिना प्रयोजन देखना ही नहीं और बिना प्रयोजन बोलना ही नहीं। जब हम इन तीनों बातों पर ध्यान देंगे कि प्रयोजन के उपस्थित न होने पर हम न तो सुनेंगे, न ही देखेंगे और न ही बोलेंगे, तो निश्चित रूप से आपको भीतर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का कुछ समय में एहसास होगा। जब प्रयोजन होगा तब हम सुनेंगे, देखेंगे भी, जितना उचित होगा, जितना देखना उपयुक्त लगेगा उतना हम देखेंगे, उतना जब कभी बोलने का प्रसंग आएगा तो हम बोलेंगे, लेकिन उतना जितना हमारे लिए अपेक्षित है, इससे अधिक नहीं। तो गांधी जी के तीन बंदर हमें यह बात कहते हैं, निष्प्रयोजन, बिना कारण, विदाउट रीजन, हम न तो सुनेंगे, नो हियरिंग, और नहीं देखेंगे और नहीं बोलेंगे। इन तीनों बातों की विशेष रूप से हम जानकारी अपने भीतर स्थिर करें और अपने जीवन व्यवहार में इसको अमल करें, तो मैं समझता हूँ कई प्रकार की समस्याएं आपकी यूं ही दूर हो जाएगी, जिसके लिए आपको कोई पुरुषार्थ भी न करना पड़ेगा। तो बंधुओं आज इतना ही, फिर हम अगली कड़ी में मिलेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, सभी को मंगलमय शुभ आशीष शुभकामनाएं, आपकी अंतर यात्रा तीव्रता के साथ आगे बढ़े, यही शुभेच्छा अस्तु।